यूपी के देवरिया में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश की इंतहा नहीं, हर किसी के दिल में गुस्सा है और जुबान पर पाकिस्तान के खिलाफ हिसाब बराबर करने की कसम। गांव है उस शहीद सत्यनारायण यादव का जो अखनूर में वतन की राह में कुर्बान हो गए। आज जब पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो लोगों का सब्र टूट पड़ा। उनकी ये आवाजें सीधे तौर पर सरकार से जवाब मांगने लगी कि पाकिस्तान को कब सिखाएंगे सबक। दो दिन पहले पाकिस्तान की एक एक गोली और मोर्टार का हिसाब रखते वक्त सत्यनारायण यादव की जान चली गई थी। बेटा देश की सेवा में अपनी जान गंवा बैठा। बुजुर्ग पिता बेटा खोने के गम में बेसुध हैं। सब ऐसा कीजिए, हमारा एक लड़का है और देश शहीद हो गया। अब हम जैसा सरकार हुक्म होगा यही कहना चाहते हैं कि मेरे फादर जो थे वो देश के लिए शहीद होके उनके ऊपर गर्व है मेरा। मैं भी चाहता हूँ कि देश के लिए मैं भी जाकर उन दरिंदों को जिसने मेरे पिता को मारा है उनको मैं मार सकूं। और मेरी सरकार से यही विनती है कि जो दरिंदे मेरे फादर पिता को मारे हैं उनको सरकार सजा दे। जिस सत्यनारायण यादव को याद कर आज पूरा इलाका गम में डूबा है, वहीं उनके साथी संगी उनकी जाबाजी और दिलेरी की दास्ता सुनाते नहीं थक रहे। शहीदों के गांव को विशेष रूप से जो है उनके सम्मान में उनका स्मारक बनाना, उनके सड़कों का निर्माण किया जाना, उनके गांव के भीतर विकास की व्यवस्था किया जाना, ये सब कुछ उनके सम्मान में किया जाएगा। यहाँ भी किया जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। देश सेवा की कसम खाने वाले सत्यनारायण करीब 25 साल पहले बीएसएफ में भर्ती हुए थे और अपने वतन की मिट्टी से किया वादा निभाने में अपनी जान गंवा दी। सत्यनारायण अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं, जो पाकिस्तान के कायराना करतूतों पर गुस्सा जरूर है लेकिन उनकी कुर्बानी पर फक्र महसूस कर रहा है।